हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश सागव, हापुड़ डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे युवा हैं हमारे जो परेशान हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का, जबकि मैंने बहुत अच्छे से और क्लियरली उसको भरा था। और बहुत सारे बच्चों का डबल एडमिट कार्ड भी आया है, यानी कि एक सेंटर जैसे देहरादून से आया, एक आपका दिल्ली से आया। बच्चों के कई सारे क्वेश्चन हैं, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा बेटा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, जिनका एडमिट कार्ड दो जगह से आया है और जिनका नहीं आया है उसके विषय में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले आपका है कि सर एडमिट कार्ड जिन बच्चों का नहीं आया है, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले इस पीछे से मैं बात करूंगा। और प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड दो जगह से आया है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। तो बेटा, एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लो, अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो अभी आपको सबर करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यारे बच्चों इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका लगातार आता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन प्रोसेस जो होता है ये आज से नहीं बेटा, हमारे टाइम से चलता आ रहा है। हम अपने टाइम पे ऑफलाइन ही प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा तक होता था कि डाकिया गांव में आते थे, किसी को भी हमारी डाक पकड़ा के चले जाते थे कि ये फलां बच्चे का है भाई, उसको पकड़ा देना। और वो लोग क्या करते थे, आज की डेट में आप सब समझते हो कि गाँव के लोग तो सिर्फ क्या करते हैं कि भाई उनको तो ये लगता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, तो वो तो फाड़ फूड़ के इधर उधर डाल देते थे। हम इस चीज़ का जीता जागता अपने जीवन का एक अनुभव आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हुआ है ऐसा कि एडमिट कार्ड हमारे फाड़ के तक फेंक देते थे लोग, या फिर देते नहीं थे, उसको जला देते थे, कुछ भी कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो लेकिन आपके समय में एक चीज़ बढ़िया है कि आजकल एडमिट कार्ड अगर आता है तो आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको क्या है, फ़ोन नंबर आपने अगर लिख दिया है लिफाफे पर तो वो आपको कॉल कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में आजकल ये है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका नहीं आया है तो आप घबराइए मत, क्योंकि ऑफलाइन सिस्टम है, थोड़ा सा इसमें प्रक्रिया में देरी होती ही है। लेकिन उस बच्चे को बहुत दुख होगा जिसका एडमिट कार्ड आपका 14 अक्टूबर के आसपास आएगा, क्योंकि वहाँ आपका एग्ज़ाम डेट है। और पता चला कि बच्चे का 13 को आ रहा है 14 को आ रहा है या फिर 12 को आ रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत होगी अगर सेंटर दूर हुआ तो। यानी 14 तारीख वालों का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जिन बच्चों का नहीं आया मैं फिर भी आपसे कहूँगा थोड़ा इंतज़ार करें और अपने डाक खाने में जा कर के आप प्यारे बच्चों एक एक दो दो बार कन्फर्म करते रहें, क्योंकि डाक खाने में जाना इस समय आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, एडमिट कार्ड दो जगह से आया है और दोनों जगह पे बच्चों का सेम डेट है एग्ज़ाम देने के लिए। बच्चे पूछें सर कौन सी जगह पे जाऊँ। बेटा देखो, एक बात समझो आप, ये तो आप कहो मत कि कौन सी जगह आसान है, आसान कहीं नहीं है, सब जगह सेम है। अब ये डिसीज़न आपको खुद से लेना है कि आपके नज़दीक का सेंटर कौन सा है। जो भी आपको अपने नज़दीक का सेंटर लगता है उसमें जाइए। और मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा बेटा, आपको अपने ट्रेड टेस्ट पे भी फोकस करना है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट समझ रहे हो ना, अगर आपने हॉस्पिटलिटी भरा है या आपने हाउसकीपिंग भरा है तो भैया ऐसे किसी भी व्यक्ति से ज़रूर मिलें जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए हो, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। अगर आप हाउसकीपिंग में, और जो पोंछा लगाते हैं ना जो बंदे जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं भैया, उसमें भी आपसे ये पूछा जाता है कि जो हम पोछा लगाते हैं उसमें क्या चीज़ हमको डालनी चाहिए, समझ रहे, उसमें क्या हमको डालना होता है, मतलब उसमें रेशो होता है कि इतने के अनुपात में पानी मिलाना है, इतने के अनुपात में हमको ये हाइपर ऐसे कुछ करके, मतलब उनके नाम होते हैं वो मिलाना है। और सेम वही जो किचन में जिन्होंने हॉस्पिटलिटी भरा है या जिन्होंने कुकिंग से संबंधित, मैस से संबंधित भरा है, आप सबको मीट कट करना आना चाहिए, आपको साग सब्जी बनाने आने चाहिए, और प्रॉपर वे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मसाले जो है उनका कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो कम्प्लीटली आपसे ये देखेंगे या आपसे उम्मीद रखेंगे कि भाई इनमें कौन सा लड़का ऐसा है जो एक्सपर्ट है इस काम को करने में। अब आप देख लीजिएगा बच्चों के आप जिस भी फील्ड में आपने फॉर्म भरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये होती क्या है,
है ना। देखो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि ट्रेड टेस्ट में सारे बच्चे बाहर होने हैं, ज़्यादातर बच्चे जो बाहर होने ट्रेड टेस्ट में होने, क्योंकि इसमें फॉर्म तो हमने लगा दिया लेकिन हमको यही पता नहीं है कि भाई ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। ट्रेड टेस्ट में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे भी जो बाहर हुए वो ट्रेड टेस्ट में हुए, लेकिन फिर उसके बाद समझ में आने लगा कि भाई ऑफलाइन में अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे थे इनको स्पेशल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पढ़ानी चाहिए कि ताकि ट्रेड टेस्ट में फेल ना हो। तो फिर हमने अपने तरीके से अपने अंदाज में उनको अलग से कुछ एडवांटेज दिए जहाँ पर जाकर के वो सफलता प्राप्त किए। ऑफलाइन में ये आपको ध्यान रखना है, नॉन कॉम्पिटेंट में इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ट्रेड टेस्ट से संबंधित, बेटा बुरा मानने वाली बात नहीं है, पैसे बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नॉन कॉम्पिटेंट का एग्ज़ाम देना है या आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें ट्रेड टेस्ट के विषय में पूरी जानकारी लेकर के रखें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो बच्चे सबसे ज़्यादा निकलते हैं वो आपके ट्रेड टेस्ट में ही निकलते हैं। ठीक है, तो अब मैं फाइनली आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बच्चों जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो बच्चे थोड़ा सा इंतज़ार करें और ये कमेंट ना कहें, ये कमेंट ना करें कि जी ग्वालियर का कब आएगा, दिल्ली का कब आएगा, बरेली का, लखनऊ का कब आएगा। बेटा सब जगह के आ रहे हैं, इसमें ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है कि जी उसके उस डेट पे आएंगे या उस JRO या उस JDRO या फिर उस जोन के, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के एक साथ रिलीज कर दिए जाते हैं और टाइम लगता है आने में, क्योंकि जो यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या आप समझ सकते हैं, एयरफोर्स का लिमिटेड जो एम्प्लॉय है, जो लिमिटेड आर्म फोर्स है हमारी, वही लगी हुई होगी इसमें। ऐसा तो है नहीं कि पूरी एयरफोर्स आपके एयरफोर्स के नॉन कॉम्पिटेंट के एग्ज़ाम में लगी हुई होगी, तो वो आपको ऑफलाइन है तो आप समझ सकते हैं उस पर पूरा मोहर लगाना, उस पर वेन्यू वगैरह लिखना और वो सब पोस्ट करना, वो सब काम बहुत ज़्यादा रहता है एयरफोर्स के पास भी। तो समय इजीली आप समझ सकते हैं कि भाई समय लगेगा ही लगेगा एयरफोर्स के एडमिट कार्ड को आप तक पहुंचने में। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर बताइएगा हमें कि आप किस जोन से हैं, कहां से हैं आप और आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। और जिन बच्चों का दो जगह से एडमिट कार्ड आया है तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बच्चा आपको उसी सेंटर पर जाना है जो आपके सबसे नज़दीक हो। ठीक है, आपके सबसे नज़दीक हो। सबसे नज़दीक इसलिए कह रहे हैं बच्चों, सबसे नज़दीक इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपको सहूलियत रहेगी वहाँ पहुँचने में। अब उस चीज़ का तो कोई मतलब है नहीं कि जी बहुत ज़्यादा दूर आप जाओ तो वहाँ जाके सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड होती है एयरफोर्स एंड कॉम्पिटेंट में। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।